नमस्कार, सिंगर इंडिया की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगर स्ट्रेट स्टिच मशीन का इस्तेमाल करने का सही तरीका। सबसे पहले मशीन के पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। थ्रेड स्पूल पिन, थ्रेड गाइडर, थ्रेड टेंशन डिस्क, थ्रेड टेकअप लीवर, थ्रेड गाइडर, नीडल, प्रेशर बार लिफ्टर, हैंड व्हील, बॉबिन वाइंडर, बॉबिन शटल रेस, स्टिच लेंथ लीवर। धागे को मशीन में कैसे पिरोएं? अगर मशीन में धागे जल्दी जल्दी टूटते हैं तो इसकी वजह हो सकती है कि आपने शायद धागे को सही तरह से नहीं पिरोया है। सबसे पहले धागे की रील को स्पूल पिन पर रखें, फिर धागे को थ्रेड गाइडर से घुमाते हुए टेंशन डिस्क से घुमाएं, यहाँ धागा हल्के से खींचकर अंदर फंसाएं, फिर टेकअप लीवर और थ्रेड गाइडर से पिरोते हुए नीडल में पिरोएं। यदि इस सीक्वेंस में कुछ भी गलती हुई तो मशीन अच्छी तरह से स्टिच नहीं कर पाएगी और आपका धागा भी टूटता रहेगा। धागा लूज या बहुत ज्यादा टाइट होता है। धागे को हम टाइट या लूज कर सकते हैं टेंशन डिस्क की मदद से। प्रेशर बार लिफ्टर को डाउन पोजीशन में लाकर टेंशन डिस्क को घुमाकर लूज या टाइट कर सकते हैं। यदि धागा लूज हो तो टेंशन डिस्क को सीधा घुमाकर टाइट करें और अगर धागा टाइट हो तो उल्टा घुमाकर लूज करें। नीडल का टूटना। सिंगल स्ट्रेट स्टिच मशीन में हमेशा सिंगल नीडल का ही प्रयोग करें। ये एक तरफ से गोल और दूसरी तरफ से फ्लैट है। नीडल को मशीन में फिक्स करते समय ध्यान देना होगा कि फ्लैट वाला हिस्सा हमेशा अंदर की तरफ रहे, तभी आपकी नीडल सही फिक्स होगी और टूटेगी नहीं। मशीन या हैंड व्हील का जाम होना। यदि आप अपनी मशीन पर काम कर रहे हों और आपका हैंड व्हील जाम हो जाए तो क्या करना चाहिए? हैंड व्हील नॉर्मली तब जाम होता है जब मशीन में धागा फंस जाए। आप धीरे धीरे हैंड व्हील को उल्टा घुमाना शुरू करें। इससे मशीन का पूरा मैकेनिज्म उल्टा घूमेगा और जो धागा फंसा था वो वापस होगा और निकल जाएगा। इससे हैंड व्हील फ्री होगा और आप फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। नीचे का धागा फंसना। इसके लिए सबसे पहले नीडल को ऊपर की पोजीशन में ले जाएं, मशीन को लिफ्ट करें और शटल रेस को इन दो स्क्रू से खोलें। शटल बॉडी को बाहर निकालने और फंसे हुए धागे को निकालने। अगर शटल बॉडी में धागा ना फंसा हो तो हो सकता है कि धागा बॉबिन में फंसा हो। इसके लिए लैच खींचकर बॉबिन को बाहर निकाल लें और धागे को सही तरह से बॉबिन में लपेटकर स्प्रिंग क्लिप से बाहर निकालते हुए वापस लगा दें। शटल बॉडी को शटल रेस में वापस लगाते वक्त ये ध्यान दें कि शटल बॉडी का फ्लैट हिस्सा ऊपर की तरफ और नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ रहे। बॉबिन में धागा लपेटना। बॉबिन में धागा लपेटने के लिए पहले धागे की रील को स्पूल पिन में रखें। धागे को बॉबिन थ्रेड गाइड से होते हुए बॉबिन में एक या दो दफे हाथ से लपेटकर बॉबिन वाइंडर में रखें। बैक लीवर पुश करके बॉबिन वाइंडिंग व्हील को हैंड व्हील के साथ जोड़ें। हैंड व्हील घुमाकर धागा बॉबिन में लपेट लें। फ्रंट लीवर को पुश करके हैंड व्हील से अलग करें और धागे से भरा बॉबिन निकालें। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 1800-103-3474 पर कॉल कर सकते हैं या 9555-390-390 पर SMS भी कर सकते हैं। धन्यवाद।